डॉक्यूमेंट्स, कितना हैवी वर्ड है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसी टॉपिक को शॉर्ट करके बात करेंगे। तो गाइज, मैं हूँ संदीप कौर, आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज़ में। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी डिफरेंस है। आज मैं सिर्फ आपसे वो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स पे ही बात करूँगी, जबकि इस वीडियो के दौरान जो है मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में। हमारे क्वालिटी सिस्टम में 12 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस और यूज़ को भी एड्रेस किया गया है। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका गोल क्या होता है कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो हम उसको निकाल के पढ़ सकें और कम्युनिकेट कर सकें। तो डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स का जो रोल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंस की। अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है एक रिटन इंफॉर्मेशन जो कि इंक्लूड करती है पॉलिसीज़ हो गए, प्रोसेसेस हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, गाइडबुक्स हो गए, हैंडबुक्स हो गए, मैनुअल्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो कवर करती हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहलाती हैं। डॉक्यूमेंट्स को है हम अपडेट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। जो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म हैं उनसे फॉर्मेट्स को इस्टेब्लिश करना, वहाँ तक तो ये डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। बट ये जो फॉर्म्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, इनको आगे हम रिपोर्टिंग के लिए जब यूज़ करते हैं तो ये रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। गाइस प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है बहुत फाइन है। डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही की पॉइंट बताने वाली हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की रिवीजन जब ज़रूरत हो तब कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी गाइडबुक्स में ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि साल में एक बारी ही होगा रिवीजन अपडेट तो हमने उसी के अकॉर्डिंग करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब भी आपकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोसेस, प्लान्स, शेड्यूलिंग्स इन सब में चेंज आए आप उसको इमीडिएटली रिवाइज़ कीजिए और अपने स्टाफ के साथ उसको कम्युनिकेट कीजिए थ्रू ट्रेनिंग। ये बहुत ज़रूरी है, जबकि रिकॉर्ड्स में ऐसा नहीं होता। रिकॉर्ड्स होती है कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही होती है। वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स जो होता है कुछ टाइम तक हम उसको मेंटेन करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको स्टोर करके रख देते हैं। रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपडेट नहीं किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं। रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम अपडेट नहीं करते हैं। रिकॉर्ड्स ईजीली एक्सेसिबल हैं, ईजीली रिट्रीव हैं, जब भी हमें किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो एनी टाइम विद इन अ रिटेंशन पीरियड हम रिकॉर्ड्स को निकाल के उनको स्टडी कर सकते हैं। ये इनमें जो है डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में डिफरेंस है। देखिए इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही मेजर कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हमेशा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं सारे स्टाफ के साथ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है, जबकि रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बट सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पेशेंट रिकॉर्ड्स का। जो पर्सन जिस रिकॉर्ड के साथ कंसर्न है हम वो रिकॉर्ड सिर्फ उसी के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं क्वालिटी मैनेजर्स के साथ, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव्स के साथ, टेक्निकल मैनेजर्स के साथ और हायर अथॉरिटी के साथ। जैसे कि अभी मैंने पेशेंट रिकॉर्ड्स की बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट रिकॉर्ड्स का डेटा है ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है गाइज। इसको थर्ड पर्सन्स के साथ विदाउट एनी आइडेंटिटी कभी भी शेयर मत करना। तो अभी हम बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पॉलिसीज़, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, गाइड बुक्स, वर्क एड्स और भी बहुत कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिसीज़ के साथ। पॉलिसी क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशंस, उसकी डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं और ये मैनेजमेंट के थ्रू अप्रूव भी होता है। पॉलिसीज़ हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। पॉलिसीज़ में क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। पॉलिसीज़ हैं वो हम क्वालिटी मैनुअल में भी इंक्लूड करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं स्पेसिफिक टू देयर ओन ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।
जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगी, एक हॉस्पिटल की तरफ से और एक लैब की तरफ से। अब कोई भी पेशेंट है, उसने डॉक्टर को दिखाना है, तो वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास तो जाएगा नहीं कि हमें देख दीजिए। वो एक प्रोसेस फॉलो करता हुआ आएगा। सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाएगा, अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, पेमेंट करेगा। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो वेटिंग हॉल में वेट करेगा अपनी टर्न आने तक। फिर वो डॉक्टर साहब से मिलेगा, फिर अगर उनको कोई मेडिकेशन दी होंगी तो वो मेडिकेशंस जो हैं वो फार्मेसी से लेके आएंगे, फिर वो अपने घर जाएंगे। ये जस्ट एक जनरल सा एग्जांपल है, ये एक प्रोसेस का जो है मैंने वे बताया, आपको फ्लो बताया। अब लैब के लिए हम एग्जांपल लेंगे, तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसकी रिक्विजिशन होती है, टेस्ट रिक्विजिशन क्रिएट होता है, उसके बाद उसकी सैंपल कलेक्शन होता है, उसके बाद उसका जो सैंपल है वो प्रोसीजर रूम में जाता है, उनकी रिपोर्टिंग आती है, रिपोर्टिंग आने के बाद आइडेंटिटी क्लियर करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट्स लेते हैं, अपने घर जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रोसेस वे में चल रही हैं। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस हमें बताता है हाउ इट हैपन्स, ये कैसे होगा। प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी ने फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे। फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, हम अपने टास्क तक पहुंचने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स बनाते हैं और वो सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके हम जो है अपना पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हुए हैं स्टार्टिंग में ही, वो बहुत ही जनरल एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोसेस, ये हमें क्या बताते हैं, हाउ टू डू इट, इसे कैसे करना है। इसका जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी ये आप सभी जानते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में क्या होता है कि डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी होती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की डिटेल्स जो है हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। जैसे कि हम कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और हम उसे भूल ना जाएं, तो हम उसके लिए एक जो है इंस्ट्रक्शन का आप कह लीजिए एक फॉर्म तैयार करते हैं, जो कि हम अपने बेंच के आगे या जहाँ पे हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसके आगे पेस्ट कर सकते, तो वो हो जाता है जॉब एड्स, ये छोटा फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं हैंडबुक। हैंडबुक क्या होता है, ये एक तरीके का बुकलेट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स नॉर्म्स जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एम्प्लॉय हैंडबुक। अब एम्प्लॉय हैंडबुक में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कंडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको ओरिएंटेशन के टाइम बता दी जाती हैं, आपको एक बुकलेट के फॉर्म में हैंडबुक दे दी जाती है, ताकि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और उसके स्टैंडर्ड्स को समझ सके, उसमें फिट हो सके। अब हमारे पास आता है गाइड बुक। गाइड बुक कैन बी मैनुअल, इट्स अ बुकलेट जो टीचिंग टूल की तरह यूज होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ NABH गाइड बुक का। गाइस मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि NABH के तीन बुक्स हैं, एक NABH स्टैंडर्ड की, एक NABH गाइड बुक की, एक एनेक्सर्स की। NABH गाइड बुक में क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की इंटरप्रिटेशन दी होती है, नॉट इन अ डिटेल्ड वे, बट आपको जस्ट इंटरप्रेट करवाया होता है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स का, कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स क्या चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स के अंडर आती हैं। अब मैं बात करूंगी मैनुअल की। मैनुअल जो होता है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल्स दी होगी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, कि आपने जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। ये एक रेफरेंस बुक की तरह भी यूज़ होता है। जैसे कि मैं बात करूँगी क्वालिटी मैनुअल की, आपके HR मैनुअल की, आपके नर्सिंग मैनुअल की, आपके इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल की, इन सारे मैनुअल्स में जो है जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे वो एज अ रेफरेंस दिए होते हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। तो गाइज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत लेंथी होता जा रहा है, तो ये वीडियो जो है मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी के पार्ट टू में। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।